फाइनली आ गए हम, और क्या ब्यूटीफुल नजारा है आप देखो। दोस्तों यहाँ पर जंगल में कैसी आवाज आ रही है सुन सकते हो, सुनो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं कातलधार वाटरफॉल का ट्रेक करने। दोस्तों कातलधार वाटरफॉल पुणे डिस्ट्रिक्ट के लोनावला रीजन में आता है। कातलधार वाटरफॉल बहुत फेमस नहीं पर मानसून ट्रेकर्स की पहली पसंद है। ये एक सीजनल वाटरफॉल। कातलधार वाटरफॉल पुणे से 80 किलोमीटर और मुंबई से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। लोनावला से आगे कैसे जाना है अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप कातलधार वाटरफॉल जाना चाहते हो तो ये है रेनबो चिक्की। ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है और यहाँ से हमको लेना है, अगर मुंबई से आते हो तो यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, और पुणे से आते हो तो वो लोनावला से ये रास्ता आता है खंडाला के लिए, और यहाँ पे लेफ्ट में है रेनबो चिक्की और यहाँ से हमको लेना है ये वाला राइट टर्न। दोस्तों अब शुरू होता है असली रास्ते का मजा। इस रास्ते पर आपको बहुत ही सुंदर नजारे दिखाई देगी और यहाँ पर आप ऑफ रोडिंग का मजा ले सकते हैं। इस रास्ते पर राइड करने का एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। आप अपनी कार को वाटरफॉल से 2 किलोमीटर पहले पार्क करेंगे तो अच्छा है। बाइक कातलधार वाटरफॉल के पार्किंग तक जा सकती है। तो दोस्तों देख रहे हो ये है दो आम के पेड़ जो कि अखे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। यहाँ से कातलधार वाटरफॉल का ट्रेक स्टार्ट होता है और ये लोग है, ये लोग यहाँ पर टिकट देते हैं पार्किंग का और यहाँ अंदर जाने का। तो यहाँ से हमको टिकट परचेज करना है और फिर यहाँ से अंदर जाना है। तो दोस्तों कातलधार वाटरफॉल के यहाँ पर जहाँ पर टिकट लेते हैं हम लोग, वहाँ पर 2-व्हीलर 4-व्हीलर के लिए पार्किंग का स्पेस है, लेकिन 4-व्हीलर आप यहाँ पर मत ले आना, पीछे ही पार्क कर देना क्योंकि यहाँ पर आने का थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोडिंग का काम है। दोस्तों ये कातलधारा वाटरफॉल का ट्रैक जो है वो रिवर्स ट्रैक है, यानी हमको पहले नीचे उतरना है उसके बाद वाटरफॉल देखकर वापस ऊपर चढ़ना है। तो अभी हम लोग थोड़ा नीचे आए और यहाँ से हमको चलना है नीचे की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा नीचे आए और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा प्लेटू सा है, तो यहाँ से अभी हमको आगे जाना है। तो यहाँ पर रास्ते में हमको टी कॉफी के स्टॉल्स मिल जाते हैं। अभी यहाँ से हमको थोड़ा सा जंगल में से जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा कीचड़ है इसमें से संभल संभल के मिल जाए। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर स्लीपरी रोड है, तो हम लोग को थोड़ा संभल संभल के चलना है। यहाँ पर हमको समझने के लिए इन्होंने रोड का मार्किंग के लिए ऐसे बॉटल लगाई है, तो दोस्तों ये बॉटल अपने को निकालना नहीं है और नया बॉटल भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों अभी हमको देखो ऐसे पहाड़ उतरना है, रास्ता नहीं है।
दोस्तों हम लोग ने ये ट्रैक 2 बजे स्टार्ट किया है और अभी देखते हैं हम लोग इतना इसको नीचे कितना देर में चले जाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ से 1 से 1.5 घंटा जाने के लिए लगता है और आने के लिए 2 घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी में भर्ती देखो, पेड़ भी नीचे गिर गया है, अब कैसे रास्ता क्रॉस करेंगे। यहाँ पर ऐसे रिबिन भी लगाए गए हैं रास्ते में जगह जगह पर, अपने हमको रास्ता ना भटके इसलिए। दोस्तों अभी पूरा पहाड़ उतरने के बाद एक प्लेन सा जगह आ रहा है ये, और इसको क्रॉस करेंगे हम लोग तो फिर और थोड़ा छोटा पहाड़ आएगा, फिर आएगा वाटरफॉल। तो दोस्तों अभी हमको इसमें से जंगल में से जाना है, ये प्लेन वाला रास्ता है, पहाड़ नहीं उतरना है। दोस्तों अगर आपको कातलधार वाटरफॉल का ट्रैक करना है तो यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो ही करना पड़ेंगे, जो बॉटल्स और जो रिबिन बांधे हैं उसी रास्ते पे हमको चलना है, क्योंकि यहाँ पर जंगल में भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जंगल में कैसी आवाज़ आ रही है सुन सकते हो, सुनो। दोस्तों फाइनली आ गए हम, और क्या ब्यूटीफुल नजारा है, अब देखो मजा आ जाएगा। मेरे पीछे देख सकते हो ये है माइटी वाटरफॉल कातरधार। दोस्तों क्या खतरनाक व्यू है, देखो पीछे मेरे। तो अभी हम लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना नीचे जा सकते हैं हम लोग वाटरफॉल के पास। दोस्तों जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा ह्यूज वाटरफॉल इतना करीब से देखा है और इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दोस्तों वाटरफॉल की आवाज सुन सकते हो, सुनो। तो फ्रेंड्स वहां पर देख सकते हो वो है राजमाची फोर्ट। तो दोस्तों देख सकते हो पानी जैसे ही नीचे गिरता है पानी का पूरा धुआं धुआं हो रहा है। दोस्तों जब बारिश होती है और पानी यहाँ पर वाटरफॉल में भर जाता है तो पानी ये ऊपर से घूम के आता है और हमारे ऊपर गिरता है, बहुत मजा आता है। दोस्तों कातल धार का मतलब होता है, कातल का मतलब होता है पत्थर और धार का मतलब होता है वाटरफॉल। तो देखो ये है पत्थर पे से पानी गिरता है इसलिए इसका नाम है कातल धार वाटरफॉल।
बहुत ही ह्यूज पत्थर है ये, बहुत ही बड़ा पहाड़ है और ये वाटरफॉल इतना खूबसूरती से ऊपर से नीचे गिरता है। तो दोस्तों वाटरफॉल के यहाँ पर हमको दो स्टॉल मिल जाते हैं, वहाँ एक है वो एक स्टॉल है और ये एक स्टॉल है जहाँ पर मैगी टी कॉफ़ी वड़ा पाव ऐसे स्नैक्स हमको मिल जाएंगे, वाटर बॉटल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग ने यहाँ पर मैगी खाया जो कि 70 रुपीज़ का था, यहाँ पर कॉस्ट थोड़ा डबल है क्योंकि लाना लेके जाना ही पड़ता है उनको, इसलिए थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है। तो दोस्तों कातल धार का ट्रैक करके अभी हम लोग वापस ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरी पैंट की हालत क्या हो गई है। तो मैं आपको सजेशन एक ही दूंगा कि कातल धार का अगर ट्रैक करने आते हो तो यहाँ पर अच्छे शूज़ और वाटर बॉटल और कुछ खाने की चीज़ें आप कैरी ज़रूर करना। तो कातल धार वाटरफॉल का ट्रैक हम लोग ने 2 बजे दोपहर में स्टार्ट किया था और अभी 5 बजे हम लोग ने ये ट्रैक एंड कर दिया है, ट्रैक करके हम वापस आ गए। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कातल धार पे आओगे तो 2 बजे उन लोग का लास्ट एंट्री है, उसके बाद वो लोग एंट्री बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको कातल धार वाटरफॉल बताया, ये वीडियो आपको कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।